नमस्कार, मैं पवन शर्मा आज समाज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम भी नया मोड़ लेते जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे, आज हरियाणा की राजनीति में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उसमें पहला ये है कि एक बार फिर से इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। दूसरा ये कि कांग्रेस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस ने लगभग 15 ऐसे आरोप की एक चार्ज शीट भारतीय जनता पार्टी पे लगाई है, और कि भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब दे, और हम इन सभी 15 के आरोपों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण हरियाणा में घटनाक्रम हुआ है, वो हुआ है कि इनेलो और बसपा का एक बार फिर से गठबंधन हुआ है। हालांकि पिछली बार 2018 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले वो गठबंधन टूट गया था। आज चंडीगढ़ में फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के जो कन्वीनर हैं आनंद और आकाश आनंद, तीनों के द्वारा एक पत्रकार वार्ता चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें इस गठबंधन का ऐलान किया गया। और ऐलान के मुताबिक 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव हरियाणा में लड़ेगी और 53 पर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी। ये माना जा रहा है कि ये पहली बार है कि जब ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हरियाणा में इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें भी ये कहा गया है अभय चौटाला के द्वारा कि अगर कोई और पार्टी जो भी हमारे समान विचारधारा की होगी, उससे हमारा गठबंधन होता है, तालमेल होता है, तो हम हमारे खाते से जो 57 सीटें उनकी है, उसमें से ही उनको हम अब शेयर अपना देंगे। यानी कि 57 से कम भी आंकड़ा उनकी सीटों का रह सकता है। यहाँ भी इस बात की भी चर्चा है कि जो ये गठबंधन हुआ है, इसके नफे और नुकसान किस पार्टी पे क्या होंगे, भारतीय जनता पार्टी पे उसका कितना असर जाएगा या कांग्रेस पे उसका कितना असर जाएगा, ये चीजें बड़ी आज एक राजनीतिक जो गलियारे थे उनमें चर्चा का विषय रही। तो ये माना जा रहा है कि सीधी सी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल जिस वोट को हरियाणा में टारगेट करके चल रही है, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको ये माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही वही वोट है। दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी है, ये माना जाता है कि दलितों और पिछड़ों की पार्टी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं भी उस वोट को लेकर के सजग है कि वो वोट हमें मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि दूसरी तरफ ओबीसी के सीएम के जो चेहरे हैं नायब सैनी, वो भी मान रहे हैं कि ओबीसी का वोट हमें मिलेगा। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनको सबको टारगेट करके, सब चीजों को ध्यान में रख के इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, ताकि दोनों पार्टियां ऐसा वोट खींचें जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नुकसान हो सके, या ये माना जाए कि वो दोनों का वोट शेयर जो है उसको कम कर सके। इसके साथ साथ जो राजनीतिक जानकार हैं, जब उनसे भी इस बात में चर्चा हुई, तो उनका ये मानना है कि जो भी हो, हालांकि आज के दिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी आमने सामने की टक्कर केवल भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस गठबंधन से कुछ कांग्रेस को थोड़ा वोट डेंट